आज 19 जून 2024 टाइम हो गया सुबह के 6:55। 128 डाउन मेयर एक्सप्रेस का कोटा दूसरी डिपार्चर हो गया है। तकरीबन 7:08 पर ट्रेन सनामा पहुंचेगी, तो उसको कैप्चर करने के लिए मैं अभी सनामा लेवल क्रॉसिंग पे आ गया हूँ। तो आज इसके साथ एक्सपेक्टेड जो लोकोमोटिव है वो जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है HP 20 8053 होगा, यानी कि 8053। कल 129 आपके साथ वैसे लोकोमोटिव गया था, HP 20 8068, ठीक है 8068 गया था, तो उसके मुताबिक तो अब 8068 ही होना चाहिए लिंक के मुताबिक। लेकिन जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है कि लोकोमोटिव आज 8053 आ रहा है, तो मज़ीद जब ट्रेन आएगी तो फिर देखेंगे कि 8053 है या 8068 है। तो लाइट्स अब छोटी छोटी विजिबल हैं ट्रेन की, और ट्रैकर के मुताबिक इस टाइम 128 डाउन चल रही है 77 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो आज हम वीडियो बनाएंगे 128 डाउन किसी जगह से, जहाँ से अक्सर जो है मैं बनाता होता हूँ। आज ईद का तीसरा दिन है और आज से जो है ट्रेनों में रश जो है वो हद से ज़्यादा होगा, ठीक है। यानी ईद से 2-4 दिन पहले ट्रेनों में रश बढ़ता है और ईद के 2-4 दिन के बाद मज़ीद रश बढ़ जाता है, ठीक है। तो अब ईद के पहले दिनों में तो रश बढ़ा है ना, साफ ज़र है, इसी वजह से फिर थाला एक्सप्रेस के साथ जो है ना 12 कोचेज़ लगाई गई हैं, 10 से 12 की गई थी, और रात 130 डाउन के साथ भी 12 कोचेज़ गई हैं, और आज मुल्तान से भी 12 कोचेज़ आ रही हैं 129 के साथ, रावलपिंडी तक 12 ही जाएंगी, सारी इकानमी क्लास कोचेस, तो वो भी फुल होती है ना, इसी वजह से फिर जो है ना अब ईद के आज ईद का तीसरा दिन है, तो डेफिनेटली जो है ट्रेन में रश आज जो है ना बढ़ेगा, और कल परसों से जो है ना सरकारी दफातर जो हैं वो खुल जाएंगे, और जिन जिन लोगों ने जो है ना अपने शहर से बाहर ड्यूटी पे जाना है या जहाँ भी जाना है, तो वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट या ट्रेनों के ज़रिए ही अपने मंजिल तक पहुँचेंगे। तो इसी वजह से फिर जो है ना कल से ट्रेनों में रश आज से बढ़ेगा, फुल रश होगा, खच्चा खच जो है ना भरी हुई होंगी ट्रेनें। तो आज 128 डाउन की पोजीशन देखते हैं कि इसकी क्या पोजीशन है। बाकी 128 डाउन में जो है जितना भी रश हुआ है ईद के डेज़ में या ईद के बाद होगा, तो इसके साथ कोचेज वगैरह बढ़ाने का कोई सीन नहीं है, क्योंकि ये जब प्राइवेट हुई थी तो इसका एग्रीमेंट था सिर्फ 10 कोचों का, तो अब गवर्नमेंट जो है वो 10 कोचेज से ज़्यादा तो कोचेज नहीं लगा सकती ना। उनकी अपनी ट्रेन जो थाला एक्सप्रेस है, चलो वो तो उनकी अपनी ट्रेन है ना, इसी वजह से फिर वो अपनी कोचेज की बढ़ाएँ या काम करें वो उनकी मर्ज़ी है। तो इसी वजह से पाकिस्तान रेलवे ने थाला एक्सप्रेस की कोचेज जो हैं वो 2 बढ़ाई हैं, 12 कर दी हैं, लेकिन मियर एक्सप्रेस की 1 कोच भी नहीं बढ़ाई, ठीक है, क्योंकि मियर एक्सप्रेस का ये एग्रीमेंट नहीं है, वो प्राइवेट कंपनी के अंडर चल रही है, तो प्राइवेट कंपनी वालों ने के साथ यही एग्रीमेंट पाकिस्तान रेलवे का हुआ था कि कोचेज जो हैं वो 10 होंगी, जिनमें 1 पावर वैन, 7 इकानमी क्लास कोचेज और 2 एसी स्टैंडर्ड कोचेज, यानी टोटल 10 बराबर 20 का रेक। तो थाला एक्सप्रेस तो अल्हम्दुलिल्लाह अब 12 बराबर 24 के रेक के साथ चल रही है, और अल्हम्दुलिल्लाह ये जो है ना फुल होती है, अच्छा जो है ना प्रॉफिट दे रही है गवर्नमेंट को, और दूसरा जो है ना इसका किराया भी कम है, तो लोग खुशी से इसमें सफ़र करते हैं। बाकी जब से थाला एक्सप्रेस चली है, मैंने खुद जो है सफ़र नहीं किया थाला एक्सप्रेस का, यानी सफ़र वैसे किया है लेकिन इंजन में किया है, ठीक है, एक दफ़ा सनामा से बखर गया था इंजन में, 80-62 लोकोमोटिव था, तो लोकोमोटिव में मैं गया हूँ थाला एक्सप्रेस के, लेकिन मैंने कोच में आज तक सफ़र नहीं किया जब से थाला एक्सप्रेस चली है। तो इंशाल्लाह वो जल्द ट्रिप बनाएंगे फिर, एक सस्ती से सस्ती इकानमी क्लास कोच में सफ़र करेंगे, और आपको जो है ना फुल जर्नी मैं इंजॉय करवाऊँगा इंशाल्लाह। तो अभी मैं 128 डाउन को कैच कर दूँ, 8053 या 8068 इन दोनों में से एक लोकोमोटिव होगा, मज़ीद जब ट्रेन आएगी तो फिर हम देखेंगे कि आज हमारे अंदाजे गलत होते हैं या सही। डाउन मियर एक्सप्रेस अब सनामा स्टेशन पर पहुँच गई है, 7:10 अब हो गए हैं, तो 20 मिनट 128 डाउन आज लेट है, तो अभी इसका डिपार्चर होगा, तो हम इसे देखेंगे सनामा लेवल क्रॉसिंग से। अभी मैं खड़ा हूँ सनामा लेवल क्रॉसिंग पर, ये देखें आज इधर से 128 डाउन हम देखेंगे। बाकी काफ़ी अरसे से जो है ना HP 20 8062 और HP 20 8060 ये 2 इंजन वर्किंग में नहीं नज़र आ रहे, यानी काफ़ी अरसे से ना 128 डाउन के साथ आए ना 130 डाउन के साथ,
और रावलपिंडी साइड पर भी ये वर्किंग नहीं कर रहे, पता नहीं ये दो इंजन जो है आजकल कहाँ हैं, 80-62 और 80-60। वैसे जहाँ पर भी होंगे होंगे रेलवे ट्रैक पर, लेकिन कहने का मतलब है कि पता नहीं किस साइड पर किस डिवीजन में वर्किंग कर रहे हैं ये। ML1 पर भी नहीं है, ML2 ये इधर नहीं है, तो शायद हो सकता है कि अटक सिटी साइड पर वर्किंग कर रहे हों। वैसे काफ़ी अरसे से वर्किंग से आउट हैं, 80-62 और 80-60 ये दो इंजन, बाकी बहुत जल्द 80-71 और 80-76 भी हमारी आंखों के सामने होंगे, यानी वर्किंग में आ जाएंगे। 80-71 के जो है थोड़ा सा मसला बन गया था, जिसकी वजह से फिर उसको जो है अगेन सीटर वर्कशॉप में भेज दिया गया था। 80-76 जो है वो ट्रायल रन के तौर पर गुड्स ट्रेन के साथ एकदम लग चुका है, तो उसका अब एक्सप्रेस ट्रेन के साथ ट्रायल पता नहीं कब किया जाएगा। वन टू एट डाउन का डिपार्चर हो गया और डिपार्चर विसल जो है वो सुनाई नहीं दिया, वरना मैं थोड़ी कोशिश करता पहचान लेता इंजन। वैसे अब डिपार्चर हो गया 128 डाउन का। मैंने 80-53 का अंदाज़ा इस वजह से लगाया क्योंकि एक दिन ही आता है, मिसाल कर वजह से आज आ रहा है ना, तो शाम को ये 127 के साथ वापसी जाएगा, अगले दिन ये रेस्ट करता है कुंदिया शेड में, फिर उससे अगले दिन फिर ये जो है ना इसको अगेन न्यू ट्रिप मिल जाता है। तो पिछले 3-4 दिनों से यही सिस्टम चल रहा है, तो इसी वजह से 128 डाउन के साथ आज मैंने 80-53 का अंदाज़ा लगाया, क्योंकि 80-53 जो है ईद वाले दिन आया 128 डाउन के साथ, यानी वापसी किया 127 के साथ, तो उस अंदाजे के मुताबिक कल ईद का दूसरा दिन था, कल इसने किसी ट्रेन के साथ वर्किंग नहीं की, आज ईद का तीसरा दिन है, यानी एक दिन इसने रेस्ट कर लिया है, उस अंदाजे के मुताबिक आप 80-53 ही होगा, मज़ीद देख लेंगे जब ट्रेन बिल्कुल करीब आएगी कि मेरा अंदाज़ा वाकई में सच है या गलत निकलता है। लोकोमोटिव 80-45 130 डाउन था एक्सप्रेस का HPU 20 80-78 लोकोमोटिव के साथ सनावा से डिपार्चर हो गया है। तो अभी मैं इसकी वीडियो बनाने के लिए खड़ा हूँ सनावा लेवल क्रॉसिंग पर, तो आज ईद उल अज़हा का दूसरा दिन है, तो ईद के डेज में 130 डाउन और 129 के साथ 12 कोचेज आती रही हैं। आज सुबह 129 के साथ भी 12 कोचेज थी, तो आज रावलपिंडी से मुल्तान के देखते हैं कि 130 डाउन के साथ कितनी कोचेज लगी हुई हैं ईद के दूसरे दिन। तो उम्मीद तो काफ़ी है कि 12 कोचेज पूरी ही होंगी, मज़ीद जब ट्रेन पास होगी तो काउंट करेंगे कि कितनी कोचेज 130 डाउन के साथ आज लगी हुई हैं। तो 80-78 भी आज काफ़ी अर्से के बाद अगेन लिंक की गाड़ी के साथ आ रहे, 6 नाच और 4 ट्रैक्शन मोटर्स पर मुश्तमिल, तो बिल्कुल वीक लोकोमोटिव जो कि स्पीड तो बिल्कुल नहीं पकड़ता। तो 130 डाउन देखते हैं फिर, 80-78 वेरी वीक लोकोमोटिव के साथ, और वेरी वीक लोकोमोटिव के साथ अगर मिसाल अगर 12 कोचेज़ लगी हुई हैं, तो पहले अगर ये 80 की स्पीड पिक कर रहा हो तो होगा, तो आज ये 75 तक ही जा रहा होगा, 5-10 की स्पीड इसकी कम हो गई होगी आज कंफर्म। तो डेट आज है 18 जून 2024, टाइम हो गया रात के 9:40, 130 डाउन आज सिर्फ 14 मिनट्स लेट है। वैसे ट्रेन तो सही आ रही है, यानी ज़्यादा लेट भी नहीं है, हालाँकि पावर भी वीक है, तो सेक्शनल स्पीड तो बना जाती है ना, बाकी कुंदिया सेक्शन की जो सेक्शनल स्पीड है वो 80 किलोमीटर पर आवर है, तो 80 की स्पीड तो इंजन इजीली पिक कर सकता है मेरे ख्याल में, चाहे 6 नाच भी हैं इसके, तो इस वजह से ट्रेन बस समझ लेंगे राइट टाइम ही आ रही है, 10-11 मिनट लेट हो तो कोई खास फ़र्क नहीं पड़ता। मुल्तान इसका पहुँचने का टाइम है 11:05 पर, तो ईज़िली राइट टाइम होगी ट्रेन।
तो कोचेज़ आपने जो है ना काउंट करनी है कि कितनी लगी हुई है 130 राउंड साथ। ऐसे 2 दिन से यही रूटीन है कि 12 कोचेज़ आ रही है। आज भी 130 राउंड साथ कोचेज पूरी लगी हुई है 12।